ये घड़ी है, इसमें टोटल 12 घंटे दे रखे हैं, ठीक, दीवार घड़ी वगैरह जो भी होता है, टोटल 12 घंटे दे रखे हैं, और इसमें हर घंटे में कितना गैप होता है, यानी हर घंटे में कितने गैप होंगे, 1 घंटे में एक ही गैप होगा, यानी 12 से 1 के बीच में एक गैप, 1 से 2 के बीच में एक गैप, 2 से 3 के बीच में एक गैप, ऐसे टोटल कितने गैप होंगे? एक बार जो ये घड़ी दिख रहा है इसमें टोटल 12 गैप होंगे। अब हमको हर गैप का एक एक एंगल निकालना है, तो टोटल आपको यहाँ पर 12 गैप दिख रहा है, और आपको ये तो मान के चलना होगा कि जो ये घड़ी होती है वो एक वृत्त होता है, एक सर्कल होता है, और सर्कल का जो भी टोटल एंगल बनता है, पूरा जो कोण बनता है सर्कल के अंदर, वो 360 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए ये 360 डिग्री है, ठीक, टोटल यहाँ जो कोण बनेगा 360 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे टोटल खाने कितने हैं, टोटल गैप कितने हैं, टोटल स्लॉट्स कितने हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 12 है, 12 है। अगर हम एक का निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 360 बाई 12 कर देंगे, तो कितना आएगा, 12 तिहाई 36, यानी 30 डिग्री, यानी एक गैप बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ये क्या होता है, 1 घंटे का गैप हो गया। 1 घंटे का गैप जो होता है उसमें दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का, ठीक। और अगर हम मिनट वाले निकालें, 1 मिनट का जो गैप होता है, 1 मिनट का जो गैप होता है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों में, वो 6 डिग्री का होता है। हम बताते हैं कैसे। आप जो 1 घंटे वाला वो देख रहे हैं गैप, इसमें कितने पार्ट होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। एक गैप बराबर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो इसमें 5 पार्ट हैं, तो यानी 30 बाई 5 करेंगे तो 6 डिग्री आएगा, यानी 1 मिनट के गैप बराबर कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। यहाँ टोटल गैप कितना है, 12, और हर गैप में 5 मिनट का गैप है, हर 1 घंटे वाले जो गैप है इसमें 5 मिनट का गैप बना हुआ है, यानी 12 से 1 के बीच में अगर हम देखें तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 गैप होते हैं, 5 गैप होते हैं, ये टोटल है आपका 30 डिग्री का, बताएं ये टोटल आपको कितना है, 30 डिग्री का। अगर एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 30 बाई 5 कर देंगे, यानी कितना है, 6 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों ये पहला सवाल है घड़ी का, इसमें बेसिकली आपसे ये पूछ लेता है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण क्या बनता है, और आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, कोई समय दे देगा, और पूछ लेगा कि उस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही देखा है कि 1 घंटे में दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, और 1 मिनट के गैप में दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का आप प्रोसीजर देखिए कैसा है, कैसे आपको सॉल्व करना है, सारा प्रोसेस आप समझते चलिए अच्छे से। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे, यार आप लोग बेसिक मेथड्स ना जाओ, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप उससे ही लगाओ। दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से बाकी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके कोण वाले, उसके बाद 90 डिग्री के, 0 डिग्री के, 180 डिग्री के, मिरर इमेज वाले तमाम सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहला टाइप का जो ये क्वेश्चन है आप उसको देखिए। तो सबसे पहले देखिए, पहले टाइप से इसको, पहले ट्रिक से लगाते हैं, तो इसमें आपको तो पता है 1 घंटे का जब गैप रहता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और 1 मिनट का गैप रहता है 6 डिग्री का। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 4 ऐसे लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक। अब क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 30 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 6 से,
ये क्या आएगा आपका 120, ये क्या आएगा 60। अब आप बताइए इन दोनों बड़ा कौन सा है, इधर वाले नंबर बड़ा आ रहा है, ठीक 120 आ गया, इधर 60 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है आपको, 120 से 60 को माइनस करना है। तो माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया, 60 आया। और इसको डिग्री में लिखते चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर ऐड करेंगे जो ये मिनट दिया रहेगा उसी का जस्ट हाफ करके यहाँ ऐड कर देंगे, यानी 10 है, 10 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 65 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने 5 को ऐड क्यों किया हाफ करके, मान लो कोई घड़ी है, ठीक, 4 यहाँ पे है, और जो 10 मिनट है वो 2 पे होगा। जब एग्जैक्ट 4 बजेगा, यानी जब 12 पर रहेगा मिनट वाली सुई, जब 12 पर रहेगा मिनट वाली सुई, तब 120 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन जब 10 मिनट चला होगा मिनट की सुई, तो जाहिर सी बात ये भी तो थोड़ा चला होगा आगे, तो उसी के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, जो मिनट होता है उसी का हाफ करके हम लोग ऐड कर देते हैं, 65 आ गया। ये तो रहा आपका पहला तरीका। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो भी देखते हैं। दूसरे तरीके से लगाने के लिए हम घड़ी देखेंगे, ये वाली, इसमें देखिए छोटी वाली सुई कहाँ पे है, 4 पे है, और जो मिनट वाली सुई 2 पे है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप दिख रहा है, बीच में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 ही तो आएगा, 1 गैप, ये 2 गैप, 2 गैप दिख रहा है। जब आपको पता है एक गैप 30 डिग्री का होता है, 2 गैप कितने डिग्री का होगा, 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री, तो ये पता चल गया आपको, पता चल गया। अब प्लस 1 जो मिनट वाली सुई आगे बढ़ी है उसका हाफ करके हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 65 डिग्री आंसर, ठीक है। दोस्तों ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है जब घड़ी में समय 7:20 है, तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम भी इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीकों से चेक करेंगे। आपको देखिए कोई भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, आंसर सबसे आ जाएगा, लेकिन मैं दोनों बताते चल रहा हूँ आपको पैरेलल, जो भी आपको सही लगे आप उसका यूज कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। हालांकि दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। इसको भी अगर हम लोग लगाना चाहें पहले वाले ट्रिक से, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 को ऐसे लिख दें आप, 20 को ऐसे लिख दें आप, और घंटे वाले में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट वाले में 6 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, 210 आ गया, ये 7 3 21 यानी 210, 6 2 12 यानी 120 हो गया। अब इसको आप माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 90 आया। अब उसके बाद हमने क्या बताया, जो मिनट वाली जो होती है उसका हाफ करके आपको इसमें ऐड कर देना है, तो उसका जब हाफ करके आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 100 डिग्री का कोण बन रहा होगा 7:20 में दोनों सुइयों के मध्य में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड वाले ट्रिक से देखते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में आपको घड़ी ऐसे बना लेना है, उसके बाद तो आपको हैबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना बनाए भी काम कर सकते हैं। तो मिनट वाले सुई कितना पे है, घंटे वाले सुई कितना पे है, 7 पे है, और मिनट वाले सुई क्या है,
20 पे है, यानी 4 पे। यही तो है, 4 पे है, तभी तो 20 मिनट कहलाएगा। घंटे वाली 7 पे है। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने गैप का? 7 माइनस 3, यहाँ 3 का गैप है। तो जब एक गैप के बराबर आपको पता है, एक गैप के बराबर आपको पता है 30 डिग्री होता है, तो 3 गैप के बराबर कितना हो गया? तो 3 × 30 यानी 90 डिग्री। तो ऐसे ही हो गया वो। लेकिन जब 20 मिनट ये चला होगा तो 7 वाला सुई थोड़ा आगे बढ़ा होगा, यानी मिनट का आधा करके इसमें जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है लगाने में इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है कि 4:05 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने का कोण बनेगा। ये भी वैसे ही है, बस हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। बाकी आपको दूसरे वाले वीडियो में सारे 0 डिग्री का और 90 डिग्री का कोण बनाना आ जाएगा, और तीसरे वीडियो में मैं 180 डिग्री और मिरर इमेज के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगता है। सबसे वाले पहले वाले टाइप से लगाएंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, 4 को ऐसे लिख देंगे हम लोग और ये 5 मिनट को ऐसे लिख देंगे हम लोग। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 30 से, सॉरी, या 6 से। ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। और इधर क्या है, 30 डिग्री आ जाएगा। और जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ गया। आ गया 90 डिग्री, आ गया ना 90 डिग्री। अब जो 5 मिनट है उसका आधा करके आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 5 मिनट का आधा करके आप जोड़ देना है, यानी 2.5। तो कितना आ जाएगा, 90 + 2.5 यानी 92.5 डिग्री आंसर आ गया। कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे वाले टाइप से अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कुछ नहीं हुआ है। आपको ये घड़ी देखना है, छोटी वाली सुई कितने पे है, 4 पे है, और जो बड़ी वाली सुई है वो 1 पे है, तभी तो 5 मिनट बज रहे हैं। बड़ी वाली सुई 1 पे रहेगा तो 5 मिनट कहलाएगा। अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 - 1 यानी 3, 2, 1, 2, 3 यानी 3 × 30 = 90 डिग्री। और जितना मिनट चला, 5 मिनट, उसको बाय 2 करके आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.5 यानी 92.5 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये भी वैसे ही है, लेकिन बस एक जरा सा इसमें आपको चेंज करना है। सो देखते हैं कैसे लगाते हैं हम लोग। पहले पहले वाले टाइप से अगर हम लगाएं तो ये होगा, यहाँ पे हम लोग घंटे वाले में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट वाले में 6 डिग्री का। तो ये क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। और इधर वाले में क्या आएगा, 240। बड़ा अब कौन सा हो गया, मिनट वाली। जब मिनट वाली बड़ी हो गई, इसका मतलब कि मिनट वाली सुई आगे रहेगी घंटे वाली सुई से, ठीक। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा, 180 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 180 आएगा। अब देखिए हमने क्या बोला था, मिनट वाली सुई का आधा करके जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनट वाली सुई आगे है। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, मिनट वाली सुई आगे है,
तो इसमें जुड़ेगा नहीं, इसमें घटेगा। ठीक, जब घंटा वाला सुई आगे रहेगा मिनट वाले के मुकाबले, तब तो आधा होके जुड़ जाएगा, लेकिन जब मिनट वाली सुई आगे होगा घंटा वाले की, तब वो आधा होके घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 40 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 20, और उस 20 को अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, उस 20 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा 160 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेकेंड मेथड से लगाते हैं और आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये कॉन्सेप्ट कैसे घटेगा कैसे ऐड होगा, जो भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मान लीजिए ये सुई है, ठीक, दे रखा 2:40, यानी घंटा वाला सुई जो होगा वो 2 पे होगा और मिनट वाली बड़ी वाली 8 पे होगी। ठीक, अब एग्जैक्ट दो बजे मिनट वाली सुई किस पे होती है 12 पे होती है और घंटा वाला 2 पे होती है। उस समय दोनों सुइयों के बीच में कितना होता है 60 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे ये मिनट वाला सुई इसको ऐसे करते जाएगा, क्लॉकवाइज चलते जाएगा ये सुई और 8 पे आएगा, तो घंटा वाला सुई भी तो हल्का लगा आगे बढ़ेगा, वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, ये आपको याद कर लेना है, जब घंटा वाला सुई आगे है तो जोड़ना है आधा करके, और जब पीछे रहेगा तो घटाना है आधा करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितने का गैप दिख रहा है, 6 का, 8-2 यानी 6 का गैप है। 1 गैप बराबर 30 डिग्री होता है, तो 6 गैप बराबर कितना हो गया, 6 गैप बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। सेकेंड टाइप है, 180 डिग्री हो गया। अब कितना मिनट दे रखा है 40 मिनट, इसका हाफ करके आप इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक, तो इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 20, और इसमें से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 160 आएगा आपका डिग्री आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आता है, वीडियो में हो गया, CGL में हो गया, आपका 10+2 वाले में हो गया, SI में हो गया, CDS में आ जाता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ क्लॉक के चैप्टर आते हैं वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस हमने जो बताया वही समझते चलना है, बाकी सब हो जाएगा।